ब्रेड्स तो आप सबने बहुत खाया होगा, लेकिन क्या आज तक आपने कभी भी बाहर विदेश का या कोई दूसरी जगह का कोई ब्रेड कभी ट्राई किया? नहीं ना। चलिए इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि इसमें बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे। कुछ नए अंदाज और थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स को ट्विस्ट करके हम बनाएंगे ब्रेड्स में से भी विदेशी ब्रेड्स। तो चलिए आज आपको मैं अपने हिंदुस्तानी किचन से ले चलूं टर्की के किचन में। तो हम आज के इस वीडियो में बनाएंगे टर्किश ब्रेड। तो चलिए लेट्स बिगिन द वीडियो। टर्किश ब्रेड बनाने के लिए आपको लगेंगे ये सारे सामग्री। एक बाउल में 2 बड़े कप्स गेहूं का आटा लिया है, यानी कि होल व्हीट फ्लावर, दूध जो कि ऑलरेडी बॉइल्ड है और थोड़ा सा वार्म है इन नेचर, 1 कप पानी, तो इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर। ड्राई यीस्ट लिया है, ये लगेगा हमको लगभग 1 big tablespoon। शुगर ये हमें लगेगा 1 teaspoon। और ये हमने सॉल्ट लिया है, ये लगेगा हमें 1/2 to 3/4 teaspoon। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। हमने लिया है एक बड़ा बाउल, ध्यान रखें हमेशा एक बड़ा बाउल का इस्तेमाल करें। डालेंगे सबसे पहले 300 ml पानी, यानी लगभग 1 big cup ऑफ वाटर, 300 ml ऑफ मिल्क, 1 teaspoon ऑफ शुगर। तो ये शुगर डाला है ताकि यीस्ट को खाने के लिए खाना मिले और वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर सके। 1 tablespoon ऑफ यीस्ट, इसे कर लेते हैं मिक्स। 1/2 teaspoon ऑफ सॉल्ट, हमें बस डायरेक्टली अपने आटे को इसमें मिक्स करना है। इसे हम बहुत अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और इसे एक सॉफ्ट डो में बनाएंगे। इसे नीचे की तरफ कुछ इस प्रकार से फोल्ड करेंगे और इसे छोड़ देंगे। अब हम इसे ढक्कन लगा के, या फिर अगर आपके पास क्लीन रैप है तो आप इसे क्लीन रैप से ऊपर से कवर करके इसे किसी वार्म प्लेस में या फिर धूप में आप इसे छोड़ सकते हैं लगभग 1 से 2 घंटा। डिपेंड करता है कि आपके एरिया का क्लाइमेट कितना है। अगर ठंड है तो इसे 2 घंटे लगेंगे फूलने में, अगर गर्म इलाका है तो 1 घंटे में बहुत अच्छे से फूल जाएगा। और बाय चांस अगर आपके घर पे ना धूप या गर्मी बिल्कुल भी नहीं है, तो बस अगर आपके घर पे ओवन है या माइक्रोवेव है तो इसे बस प्री हीटेड ओवन में 20 मिनट्स तक रख दें, ये अपने आप फूल जाएगा, ये बिल्कुल अपने डबल द साइज हो जाएगा। तो चलिए अब इसको हम करते हैं कवर। क्योंकि मेरे पास कोई क्लीन रैप नहीं है तो मैं क्या करूंगी, इसे सबसे पहले ऊपर से एक कपड़े से ढक देंगे और अब हम इसे कवर कर देंगे एक प्लेट से। इसे रख देते हैं धूप में 1 घंटे तक। टर्किश ब्रेड का जो हमने आटा गूंथ के रखा था, इसको खोल के देखते हैं कि कैसा ये आटा फूला है। ये देखिए गाइस, कितना बेहतरीन ढंग से ये आटा जो है, डो जो है, बिल्कुल फूल चुका है। तो आप देख सकते हैं कितना स्पंजी हुआ है। हमें ना साइड साइड से इसको कुछ इस प्रकार से ऐसे आके करना है ताकि जो इसके अंदर एयर है ना वो पूरा रिलीज हो जाए। अब ये देखो क्या जालीदार बना है, विच मीन्स कि हमारा आटा जो है ये बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुका है। तो चलिए हम इसको पूरा फोल्ड करते हैं अभी। अब क्योंकि हमने इसे साइड साइड से बहुत अच्छे से निकाल दिया, तो अब हम इसे थोड़ा सा नीड करेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार गाइस, ये आटा इतनी अच्छी तरीके से बन के तैयार है ना, यू मस्ट ट्राई दिस। आप इस आटे से बहुत टाइप के रेसिपीज बना सकते हैं। खाली आपको इंग्रेडिएंट्स और जो मैंने क्वांटिटी बताया है उस चीज का ध्यान देना है, दैट्स इट। बस इसको गूंथना बहुत अच्छे से है हमें। तो हमारा जो डो है वो हमने यहाँ पे रख दिया है और हमें लेना पड़ेगा थोड़ा सा सूखा आटा। तो ये मैंने नॉर्मल गेहूं का आटा ही रखा है और एक बेलन की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसे हमें इक्वली पोर्शन में आप या तो डिवाइड कर सकते हैं या तो अंदाजे से अपने हाथों से इसको बॉल्स के रूप में ले सकते हैं। पर ध्यान में रखिएगा कि जो आपको बॉल्स बनानी है वो करीबन इतने आटे की बनानी है, यानी कि इतनी बड़ी लोई तो होनी चाहिए जो कि आपके हाथों में अच्छे से फिट हो जाए। तो ये देखिए हमने बहुत अच्छी तरीके से ये बॉल्स जो हैं बना लिए हैं। अब लेते हैं थोड़ा सा सूखा आटा, बॉल्स बनाए हैं उसको यहाँ पे रख के इसके ऊपर थोड़ा सा आटा और स्प्रेड कर देंगे। इसको हाथ से कुछ इस प्रकार हम स्प्रेड करेंगे, बिल्कुल बीच से आपको आगे तरफ लेके जाना है और फिर धीरे धीरे ऐसे करके आपको राउंड राउंड शेप में। अब ये टोटली डिपेंड्स कि आपको राउंड शेप चाहिए या ओवल शेप चाहिए। अब हम इसे रोल करते हैं, तो बिल्कुल हल्के हाथों से आपको इसे रोल करना है। हमें इसे इस तरीके से बेलना है। बस अब ये बेल चुका है ब्रेड, अब इसे हमें करना क्या है, हाथों से थोड़ा सा और हम इसे एजेस में स्प्रेड करेंगे। ये अब बन के रेडी है, तो बाकी बचे हुए आटों का भी मैं इसी प्रकार से ब्रेड बना के रखती हूँ। मैंने चारों ब्रेड्स यहाँ पे रेडी कर लिए हैं।
पैन को मीडियम टू हाई फ्लेम में ही रखना है, ना ज़्यादा स्लो ना ज़्यादा हाई। तो अब जो पैन है हल्का हल्का टच करके देखिए, बिल्कुल गर्म हो चुका है। फ्लैट ब्रेड्स रेडी करके रखे थे, बस उसे थोड़ा सा यहाँ पे डस्ट ऑफ कर देंगे और यहाँ पे पैन पे से डाल देंगे। गाइस, आज तक आपने जितने भी वीडियोस देखे होंगे या आपने खाए होंगे जितने भी प्रकार के ब्रेड्स, वो सारे अवन में ही बनते हैं। बट शायद ये आज पहली बार आप देख रहे हैं कि आप विदाउट अवन, विदाउट एनी माइक्रोवेव, आप किस प्रकार से घर पे नॉर्मल रोटी वाले तवे पे ही आप एक बढ़िया सा एग्जॉटिक ब्रेड बना के तैयार कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे ऊपर बबल्स आने लगे, यानी कि नीचे वाला पार्ट अब कुक हो चुका है। सो अब ये टाइम हो गया इसको फ्लिप करने का। सो बस इसे ऐसे उठाना है और इसे यूं कर देना है फ्लिप। तो ये देखिए ऊपर का ऐसा कलर जो है बिल्कुल चेंज हो गया है, बिल्कुल एक पिज्जा के बेस के जैसा ये हो चुका है। इसको एक एक साइड से ना यूं प्रेस करते रहेंगे तो ये हर एक एज से फूलता रहेगा। कितना ब्यूटीफुली ये ब्रेड जो है फूल के एकदम बढ़िया सा तैयार है। तो ये हमारा पहला ब्रेड जो है फूल के से कितना अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। और बिलीव मी गाइस, इस वक्त मेरे किचन में जो खुशबू आ रही है ना, अगर आप यहाँ पे होते हैं ना, तो आपको भी ये फ्रेश यीस्ट की खुशबू ना आपको भी अपना दीवाना कर दिया होता। तो लेट्स फ्लिप दिस अगेन। इसी हाई फ्लेम में मैं इसे सेकूंगी ताकि इसके ऊपर ना एक बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। तो गाइस, अगर आपकी ब्रेड भी ऐसे फूल जाती है, इसका मतलब है कि आपका टर्किश ब्रेड बनाना हुआ बिल्कुल सक्सेसफुल। डेफिनेटली आपका ब्रेड भी सक्सेसफुल बनेगा अगर आप मेरे रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो बाकी के ब्रेड्स को भी रेडी कर लेते हैं, इसको रख देते हैं साइड में। चलिए अब हमने ये दूसरा ब्रेड लिया है और इसे भी हम तवे पे ऐसे रख देंगे। मैंने फ्लेम को मीडियम पे रख दिया है वापस से, अच्छे से इसमें कलर आ गया। ये है हमारा बिल्कुल परफेक्ट टर्किश ब्रेड। बट गाइस, अभी ये ब्रेड बनके पूरी तरीके से तैयार नहीं है, अभी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो मैं इस ब्रेड को बना के बाकी के जो रिमेनिंग ब्रेड हैं उसे कुक करने के बाद आपको दिखाऊंगी। ये देखिए गाइस, अब ये 2 इंच तक फूल गई है, एग्जैक्ट 2 इंच। ये देखिए कितनी सुंदर तरीके से, मैंने बिल्कुल प्रेस नहीं किया इसे, बस ये अपने आप फूलते जा रही है। अब इसे भी हम कर देते हैं साइड। यहाँ पे मैंने एक तड़का पैन ले लिया है एंड इसमें मैंने डाल दिया है एक बड़ा क्यूब बटर का। अब गाइस, मैं क्योंकि शिमला में रहती हूँ तो यहाँ पे बहुत ठंडा है, तो बटर बिल्कुल भी मेल्टेड नहीं रहता है, इसीलिए मुझे इसे मेल्ट करना पड़ रहा है। बट अगर आपका यहाँ टेम्परेचर नॉर्मल है तो आप इस प्रोसेस को स्किप कर सकते हैं, यानी कि आप ऑलरेडी मेल्टेड बटर या जो सॉफ्ट बटर होता है ना, आपको बस वही लेना है जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें ये 1 कप कटे हुए धनिए डाल देंगे। मैंने इस धनिया को बहुत पहले ही काट के रख दिया था, इसीलिए इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, तो बेसिकली ये एक ड्राइड चॉप्ड धनिया है। तो बस इसको डाल के आपको इसमें मिक्स कर देना है और इसमें एक्स्ट्रा कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ व्हाट द ऑथेंटिक टर्किश ब्रेड इज़ लाइक। तो बस हमने इसे कर दिया है मिक्स। चलिए अब हमें इससे फाइनल टच देना है। तो ब्रेड जो है वो बन के तैयार, बस इसे हम इसके ऊपर बस धीरे धीरे से स्प्रेड कर देंगे बिल्कुल ऐसे। क्या है, आपके ब्रेड्स जो हैं ऊपर से बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे और साथ ही साथ खाने में भी ना बहुत अच्छा कोरिएंडर के वजह से, या आप उसे पार्सले भी कह सकते हैं, उसके वजह से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। बाकी के ब्रेड्स में भी हम बटर लगा देंगे। तो ये देखिए गाइस, हमारा आज का जो अमेजिंग टर्किश ब्रेड है ये बनके तैयार है। तो चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ कि कितने सॉफ्ट बने हैं। तो ये देखिए गाइस, ये कितने सॉफ्ट हैं, बिल्कुल मुलायम, और खाने में भी ना बहुत अमेजिंग लगेंगे। मैं इसे फोल्ड करके आपको दिखाती हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं ब्रेक हो रहा है। तो ये कितना स्पंजी और मुलायम बना है, आपको इसे देखने से ही समझ आ रहा होगा। और दिखने में तो जितना टेस्टी है, खाने में भी आपको उतना ही स्वादिष्ट लगेगा। गाइस, इसे ना कोई स्पेशल सब्जी के साथ खाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, शाम के नाश्ते में इसे चाय या कॉफी के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। या फिर अगर आपके घर में कोई कोफ्ता या स्पेशल कोई इंडियन सब्जी बनी है ना, तो आप उसको भी इसके साथ खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बट हाँ, इसे जनरली टर्की में चाय के साथ खाया जाता है, तो यू कैन ऑल्सो हैव दिस। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया और आज का ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आया, जो कि सुपर डुपी इजी था, कोई मेस नहीं था, और बिल्कुल नए अंदाज में हमने ये टर्किश, यानी कि एग्जॉटिक टर्किश ब्रेड हमने आज बनाया है, वो भी अपने देसी इंडियन किचन में। सो आई होप यू गाइज एंजॉय टुडेज वीडियो, और इस रेसिपी को गाइज नेक्स्ट टाइम घर पे जरूर ट्राई करना जब आपके यहाँ भी मेहमान आए। वीडियो अगर पसंद आई है तो उस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। तो वीडियो को करते यहीं पे एंड, क्योंकि मुझे इसे देख के लग रही है बहुत तेज भूख। तो ये रहा हमारा टर्किश ब्रेड रेडी। बाय।